गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दिया है, विच इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सेक्टर। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन द 29th of July बाय द HRD मिनिस्ट्री, विच इज न्यूली नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब ये जो पॉलिसी है ये 34 लॉन्ग ईयर्स के बाद चेंज हो रही है, कुछ मेजर चेंजेस है एजुकेशन सिस्टम में। अब इग्नू स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि फोकस करते हुए, हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, क्या चेंजेस होने वाली हैं, प्लस वो कब से इफेक्टिव होंगी, ये दोनों चीजें हम विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स हॉप इनटू इट। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अपराजिता एंड यू आर वॉचिंग इग्नू वर्ल्ड। टू बिगिन विद द हाइलाइट्स, पहले यहाँ पे 2035 तक 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेके जाने का टारगेट बना के रखा हुआ है, विच इज करंटली एज पर 2018 का जो सर्वे है अकॉर्डिंग टू दैट इज अभी तक 26.3%। सो इसे बढ़ाकर 50% करने का इरादा बना के रखा हुआ है। सो इसे साइड में रखते हुए हम अब देखते हैं कि इग्नू के रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से कंसिडर हम कर सकते हैं। अब होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे कहा गया है, दैट वी ऑलरेडी सी इन दी CBCS पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न में क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, सब्जेक्ट एज इन इलेक्टिव हम जब सिलेक्ट करते हैं तो उस चीज में हम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास क्रेडिट बेस्ड सिस्टम सारे यूनिवर्सिटी में हो। इग्नू इसे फॉलो करता है ऑलरेडी, बट सारे यूनिवर्सिटीज पे होने से क्या होगा इसका एक बार इनसाइट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मान लीजिए आप BAG कर रहे हैं या फिर आप सिंपल BA कर रहे हैं, उसमें कुछ क्रेडिट्स है, आपको ये जो 3 साल का BDP प्रोग्राम है BA, ये आपको 3 साल में करना है कंप्लीट, राइट। अब 3 साल में से आपने 1 साल डिस्टेंस एजुकेशन से कर लिया, यानी कि इग्नू से कर लिया। इसके बाद आपको मन किया कि चलो अब सेकेंड एंड थर्ड ईयर जो है उसको मैं रेगुलर जो कोई भी कॉलेज होगा उसमें से करूं, या मान लीजिए आप कहीं पे शिफ्ट हो गए तो आपको सेकेंड एंड थर्ड ईयर किसी और कॉलेज से करना है, तो दैट इज पॉसिबल अगेन। ठीक है, वो चीज करना भी पॉसिबल यहाँ पे होगा। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है इन फ्यूचर ड्यू टू क्रेडिट सिस्टम। तो इग्नू ऑलरेडी क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स है इसका एक समरी मैं यहाँ पे बता दूं कि यू विल सी यहाँ पे एक 5 ईयर्स का टाइम कोर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए आप एक ही साल परस्यू करते हो उस कोर्स को, तो आपको एक सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। सर्टिफिकेट डिग्री नहीं कह सकते, बट सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाला एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, यू विल बी वर्थ ऑफ अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आप दूसरी साल में अगर ड्रॉप आउट कर जाए तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप तीसरी साल में करते तो आपको एक डिग्री परस्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 साल उसी सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं तो डिग्री प्लस रिसर्च का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगेन 5 ईयर्स आप कंटिन्यूस करते हैं तो उसे हम मास्टर्स डिग्री कहेंगे, तो विच कंप्लाइज इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री। अब यहाँ पे PhD MPhil जो है इस चीज को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है। अगेन इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये जो अकाउंट होगा ये क्रेडिट्स का अकाउंट होगा, बैंक होगा, विच इज कॉल्ड एज DigiLocker, अभी भी एग्जिस्टिंग है DigiLocker। यहाँ पे जो आपके क्रेडिट्स होंगे ये क्रेडिट्स यहाँ पे सारे इन किए जाएंगे। आप मान लीजिए 1 साल आपने किसी कोर्स में सर्टिफिकेट कर लिया, आप सोचते हैं कि यहाँ पे 3 ईयर्स का गैप लेने के बाद मैं वापस इसे सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। सो आपके जो क्रेडिट है ये फर्स्ट ईयर के, ये क्रेडिट्स आपको ये DigiLocker में मिल जाएंगे। इसके बाद जो है मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी विच इज नोन एज मेरू विल बी इन सिंक विद द इग्नू। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च होने वाला है विच विल बी ऑल्सो एक्सेसिबल टू
इग्नू स्टूडेंट्स एज वेल। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये होने वाला है, यहाँ पे एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा एंड आई थिंक वो स्टैंडर्ड ई ज्ञान कोश में ऑलरेडी इग्नू फॉलो करता है, बट स्टिल मे भी आपके कोर्स में कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स एंड प्रोफेशनल एजुकेशन दैट इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इन दी इग्नू। इग्नू के जो भी टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनपे ये चीज देखने को जरूर मिलती है। अब अगेन यहाँ पे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है जो कि इग्नू के साथ कंप्लाइंट होगी। बाकी ये जो ये चीजें हैं, दीज आर नॉट रियली कंप्लाइंट विद द इग्नू प्रोस्पेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस। दिस इज ऑलरेडी इन लाइन फॉर इग्नू, ठीक है। इग्नू ऑलरेडी इन चीजों को इन लाइन कर रही है। अगेन इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट आती है और ऑडियो बुक्स भी रिलीज हो रही है विच इज डन बाई इग्नू ऑलरेडी, ठीक है। दीज आर इन लाइन ऑलरेडी। सो ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस ई ज्ञान कोश में ऑलरेडी अवेलेबल है। वर्चुअल लैब्स भी इग्नू ने साक्षात करके एक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करा दिया है। अगेन यहाँ पे एक NETF एज ए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें और ध्यान देने वाली है, इन डिटेल है, मैं ये शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकती हूँ एंड डिटेल में डिस्कस करने वाली कोई चीज़ नहीं है। देर इज़ अ फाइल प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें कि एक ड्राफ्ट दिया हुआ है फॉर लाइक टीचर्स का क्या कंसिडरेशन होगा वाइल एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना है, रिसर्च कैसे होने वाला है वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। एंड रिगार्डिंग द कमिटी एज वेल, दिस इज़ अ PIB का एक नोटिस है, ड्राफ्ट है विच इज़ नेम्ड एज NEP एज ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड दिस इज अ ड्राफ्ट, ठीक है। आप इसको पढ़िए, यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स है, यू कैन रीड इट एंड यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। एंड अगर नीचे कमेंट में मैं जल्दी से आंसर नहीं देती हूँ तो यू नो वेयर टू फाइंड मी। ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।